वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 9, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. दिस इज़ योर अमित सर. लेट्स कम टू द पॉइंट अबाउट द टेरिडोफाइट्स. ओके, इन विच वी वर डिस्कशिंग इन प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस पॉइंट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. In this class, we are going to study about the pteridophytes. What are pteridophytes? Okay. So it is the first point of pteridophytes tells that it includes horse tail and ferns. They are used to form medicines, soil binder, and as ornamental plants. ठीक है? इसको इसके बारे में कहता है क्या कि ये horse tail एंड फर्न्स में इंक्लूड करता है. मेडिसिंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सॉइल बाइंडर के लिए और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए. ठीक है, जस्ट लाइक जिसको हम डेकोरेटिव प्लांट्स कहते हैं. देखिए ये क्या है, सेकंड पॉइंट कहता है दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पजेस वैस्कुलर सिस्टम हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, बट जाइलम लैक्स द वेसल्स. Xylem lacks the vessels and phloem lacks the companion cells and sieve tubes. इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि वेस्कुलर सिस्टम पजेस करते हैं, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम होता है, लेकिन परंतु यहाँ पे जाइलम जो होता है लैक करता है वेसल्स, वेसल्स नहीं होता है जाइलम में, एंड फ्लोएम में आपके कंपेनियन सेल्स जो होते हैं और सीव ट्यूब, ओके, ये लैक करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस. ये शेडी प्लेसेस कूल जगहों पे पाए जाते हैं. ठीक है, फोर पॉइंट सेज द स्पोरोफाइट फेस इज डोमिनेंट विच पजेस स्टेम रूट एंड लिप्स. ठीक है बच्चा, इसका स्पोरोफाइट जो होता है फेस डोमिनेंट होता है, जिसमें आपके स्टेम रूट्स और लिप्स कंटेन करता है, पजेस करता है. फाइव, स्पोरोफाइट डिवेलप द स्पोरांजिया एट द वेंट्रल साइड ऑफ द लिप्स. वेंट्रल साइड ऑफ द लिप्स, लिप्स के वेंट्रल साइड में ये जो स्पोरोफाइट होते हैं इसके, ये स्पोरांजिया डेवलप करते हैं. ठीक है, एंड दीज लिप्स आर नोन एज स्पोरोफाइल्स. ठीक है, इन सम स्पेसिस, कुछ प्रजातियों में ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं या फिर इसको कोन कहते हैं. ओके, एज इन सेलंगिनेला इक्वेस्टम. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6, स्पोर्स फॉर्म्ड इन स्पोरांजिया आर हैप्लोइड एज दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर म्योसिस. ये म्योसिस के बाद ये जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरंजिया में फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, उनको हैप्लॉइड कहा जाता है, और ये म्योसिस के बाद होता है. स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो स्पोर्स जर्मिनेट होता है, ठीक है, वो गैमिटोफाइल्स में फॉर्मेशन उसका होता है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं. ठीक है, विच ग्रोज इन कूल एंड डैम्प प्लेसेस बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, वाटर की. नाउ गैमिटोफाइट, ओके, पॉइंट नंबर 7, गैमिटोफाइट बियर्स आर्कियोगोनिया एंड एंथ्रीरिडिया. ओके, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच लेटर ऑन डेवलप्स इन टू स्पोरोफाइट. ठीक है, स्पोरोफाइट में ये बाद में जाइगोट बनने के बाद में ये डिवेलप होता है, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं, है ना. और गैमिटोफाइट में क्या क्या होता है, आर्कगोना एंड एंथ्रीडिया. जैसे फेल और आर्कगोना जो होता है, ठीक है, आर्कगोनिया जो होता है वो मेल गैमेट होता है, और एंथ्रीडिया ये एक जो कि फीमेल गैमेट. ठीक है, आर्कगोनम में ये प्रेजेंट होते हैं और ये जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये से स्पोरोफाइट के तौर पे डेवलप करते हैं. ठीक है बच्चों,
नाउ पॉइंट एट, डिवेलपमेंट ऑफ जाइगोट इंटू एम्ब्रियो एज अ प्रोकर्सर ऑफ द सीड हैविंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट स्पॉट इन इवोल्यूशन. जो जाइगो एम्ब्रियो में जाइगोट जो डिवेलप करता है, जिसको प्रीकर्सर भी कहते हैं, प्रीकर्सर ऑफ द सीड, इसके पास एक हैबिट होता है जो कि डायरेक्टली ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट स्पॉट इन इवोल्यूशन, मदद करता है इवोल्यूशन में. टेरिडोफाइट का आप यहाँ पे फिगर देखिए, मैं आपको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, जूम करता हूँ, यू कैन सी हियर क्लियरली. ओके, आई होप कि सभी लोगों को ध्यान दिखाई दे रहा होगा अच्छे से. देखिए ये क्या है, सेलागिनेला है, ठीक है, मार्सिला, ये सब ऑर्नामेंटल हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्नामेंटल है. देखिए मार्सिलिया लीफलेट्स, एक्चुअली इसको जो है फ्लावर बेस वगैरह में भी यूज करते हैं, ड्राइप ट्रीज, एजोला, इक्विसेट्रम. ओके ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टेरिडो फाइट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज द जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेक्ड नीड सीड. ये नेक्ड सीड हैं, खुले सीड्स हैं. ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लूज्ड बाय ओवरी वॉल्स, और ओव्यूल्स जो होते हैं ये ओवरी वॉल्स इंक्लूड इंक्लोज्ड नहीं होते हैं. सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स आर मीडियम साइज्ड, जो प्लांट होते हैं वो मीडियम साइज्ड के होते हैं. सम आर श्रब्स एंड टॉलेस्ट ट्री इज सिक्वेला, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, सिक्वेला जो होता है जिम्नोस्पर्म्स में ये टॉलेस्ट ट्री होता है. एंड थर्ड वन इज रूट आर टैप रूट एंड इन सम प्लांट्स लाइक पाइनस फंजस एसोसिएट इज देयर विच आर कॉल्ड माइकोनोहिजा माइक्रोहिजा. ओके, एंड रूट्स आर टैप रूट, जो टैप रूट मिडिल रूट होता है, और कुछ प्लांट्स लाइक पाइनस में फंगस एसोसिएशन होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोहिजा, यू नो वेल. ओके, फोर्थ, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, डेवलप इन माइक्रोस्पोरंजिया और माइक्रोस्फाइलस विच आर कंप्लीटली अरेंज टू फॉर्म मेल स्ट्रॉबेली और कॉन्स. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप मेल गैमेटोफाइट, ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, विच इज हाईली रिड्यूस्ड कॉल्ड पोलन ग्रेन्स, इसको पोलन ग्रेन्स कहते हैं. मेगास्पोर्स डिवेलप इन टू मेगास्पोरांजिया ऑन मेगास्पोरफेल्स विच आर ऑल्सो अरेंज इन कॉन्स. नाउ पॉइंट नंबर फाइव, द पोलन प्रोड्यूस्ड बाई दिस प्लांट्स इज डिस्पर्स बाई विंड इट्स इंसेक्ट एट्सेट्रा. तो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लांट्स के माध्यम प्लांट्स में वो विंड के और इंसेक्ट के माध्यम से. ठीक है, द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इट इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट होता है जो यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में. एंड द एम्ब्रियो एंड द फूड इट यूजेस टू ग्रो आर कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव सीड कोट. प्रोटेक्टिव सीड कोट ये क्या होता है, कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव. ओके, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, द जिम्नोस्पर्म्स अपीयर्ड बिफोर द एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स होता है वो अपीयर्ड होता है बिफोर द एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो फीमेल गैमेट है उससे पहले जो है जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, अपीयर होता है. ऑल कॉन्फाइनर्स एवरग्रीन प्लांट्स लाइक पाइन्स फर्स सीडर्स एंड रेडवुड्स आर जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, कॉनिफर्स आर अमॉन्ग द लार्जेस्ट ट्रीज एंड ये कॉनिफर्स हैं ये लार्जेस्ट ट्रीज एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेजर सोर्स ऑफ पल्प एंड पेपर. साइकेड्स दैट इज साइकास आर द पाम लाइक जिम्नोस्पर्म्स पुट ऑन लाइक पाम्स द बियर लाइक द बियर और नेक्ड सीड्स ऑन द स्केल्स ऑफ कॉन्स. जिम्नोस्पर्म्स डो नॉट हैव फ्लावर्स एग्जाम्पल पाइनस एंड साइकास एट्सेट्रा. ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे फिगर जिम्नोस्पर्म्स का. वेट,
यू कैन सी हियर साइकास, जिम्नोस्पर्म्स एंड जिंकगो. ओके दिस इज जिंकगो पाइनस जस्ट लाइक एक्समस ट्री ये है. ठीक है सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंजियोस्पर्म्स. ओके सो जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ओके तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो प्रीव्यू करके आप देखिए और इसको फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करिए. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.